उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पिछले 8 दिन हो चुके हैं और अब तक मजदूरों के लिए बाहर निकलने का कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाया है। कंपनी और सरकार के द्वारा लगातार वहां पर कार्य प्रगति पर है, जैसे तैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसी बीच एक भोजपुर जिले का ऐसा परिवार है जिसके घर का चिराग भी उस टनल में पिछले 8 दिनों से फंसा है, आज 9वां दिन हो चुका है। सहार प्रखंड के पेयूर गांव के रहने वाले साहब अहमद उर्फ सैफ पिछले 9 दिनों से उस टनल में फंसे हुए हैं और उनके परिवार की आस बस इस बात पर टिकी है कि एक अच्छी खबर आ जाए। पूरे दिन उनका परिवार घर के बाहर दरवाजे पर टकटकी लगाए के बैठे रहता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए एक अच्छी खबर सामने लेकर के आए और कोई बता दे कि वो सकुशल बाहर आ गया है। बताते चले कि पिछले 2 महीनों से सैफ उस टनल में, निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे थे और जब ये टनल का वहाँ पर टूटा और जब टनल ये फंसा, उसकी पहले रात में सैफ अपने परिवार से बात करके गए हुए थे और पत्नी से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि वो नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं और अगले दिन वो आएंगे तो वापस बात करेंगे। लेकिन अगले दिन ही मनहूस खबर सामने आ गई, टनल जो निर्माणाधीन था वो ध्वस्त हो चुका था और 41 मजदूर उसके अंदर फंस गए हैं। फिलहाल सैफ का परिवार पेयूर गांव में है और पूरा परिवार टकटकी लगाकर एक उम्मीद में बैठा हुआ है कि सैफ को सरकार के द्वारा और कंपनियों के द्वारा जो कार्य प्रगति पर है उसके माध्यम से बाहर निकाला जाएगा और सकुशल सैफ वापस अपने गांव आ पाएंगे। बता दें कि पिछले 12 सालों से ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन इस कंपनी में 2 साल से सैफ जुड़े हुए हैं और ये अभी पिछले 1.5 महीना पहले ही अपने घर आए हुए थे और 1.5 महीना पहले वहाँ पर वापस जाकर के ड्यूटी ज्वाइन किए हैं और 9 दिन पहले ये टनल धस गया, टूट गया, जिसके वजह से सैफ उसमें फंसे हुए हैं। फिलहाल सैफ का पूरा परिवार यहाँ पर काफ़ी परेशानी में जी रहा है। आसपास के लोग और रिश्तेदार उनको ढांढस बनाने हर दिन पहुँच रहे हैं। हम भी वहाँ सहार के पेयूर में गए हुए थे जहाँ पर उनके माता पिता और परिवार से बात हुई है। उनके 3 बच्चे, माता पिता, सब लोग पूरे तरीके से सैफ के रोजी रोजगार और उसके उम्मीदों पर टिके हुए हैं। सबकी उम्मीद बस यही है कि सैफ जैसे हुई हो सरकार उनको बाहर निकाल करके ले आए और सुरक्षित सैफ अपने घर वापस आ पाए। लोकल एटिंग के लिए भोजपुर से गौरव सिंह। हमसे बात हुई थी, ड्यूटी गए थे, हमसे बात हुई थी यही कि लास्ट नाइट आज जो है हम ड्यूटी जा रहे हैं और कल दीपावली है, छुट्टी मतलब रेस्ट होगा, उसके बाद डे ड्यूटी होगी। तो उसी समय जो है टनल जब गिरा, हमारी बात जो है मोबाइल से हो नहीं रही थी, तो उनके साथ जो लड़का काम कर रहा था वो बाहर आया, उससे हमको सारी बात मालूम हुई। और अभी तक तो हमको वहाँ से यही है जानकारी मिल रही है, जो लड़का भतीजा उजा मेरा गया है वहाँ पर, कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, खाना पानी उनको मिल रहा है अंदर। अब प्रशासन, बाकी वहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि आज 10 दिन का मामला ये है, हम लोग की हालत बहुत जो है पस्त है, एकदम खराब हालत में है। अब हम क्या बताएं, बताने की स्थिति में नहीं है हम लोग। बेटा आपका क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पर मेरा लड़का जो है सेफ्टी सुपरवाइजर था जी। बात हुई थी तो क्या बोल रहे थे? आने के लिए जनवरी में उनका प्रोग्राम था यहाँ आने के लिए, जनवरी में उनका प्रोग्राम था यहाँ आने के लिए, 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले वो आए थे, तो बोले कि जनवरी में आएंगे। रेस्क्यू टीम लगातार सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द जो फंसे लोग हैं निकाल लिया जाएगा। हाँ, तो हम टीवी पर देख रहे हैं, मगर अब क्या दावा है और क्या सरकार कर रही है हमारे समझ में बात आ नहीं रही है। इसलिए 10 दिन का मामला हो गया, बताइए क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है सरकार, हमारे समझ में बात नहीं आ रही है। बेटे के खैरियत के लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ हाँ, बेटे की खैरियत के लिए तो अब भगवान है, खुदा है, वही है, दुआ कर रहे हैं हम लोग। उसकी माँ बहुत परेशान है, हार्ट पेशेंट है, वाइफ परेशान है, 3-3 बच्चे हैं, सब परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द रेस्क्यू करके निकाला जाए, और हमारी बहू है, उसके 3-3 पोता है, 2-2 पोता है, 1 पोती है, बहू है, उसको रिलीफ दिया जाए कि वो उन लोग को कुछ रिलीफ मिले। बहुत बुरी हाल है उन लोग की। हमको बेटा चाहिए, बहू को चाहिए रिलीफ।